तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एंड्रयू स्टैंटन और स्क्रीन प्ले दी एंड्रयू एस्टैन मार्क एंड्रेस माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस कोलिन विल्सन लिन्से कोलिन और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस सामंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन टोमिंका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो विलियम डाफोई और इस मूवी को सिनेटोग्राफिक के डैन मिंडेल और इस मूवी को एडिट किए इमर और इस मूवी में, में म्यूजिक दिए माइकल गया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू 2012 टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज़ हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड सिक्स थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस फिस्कल कलेक्शन टू हंड्रेड एट्टी फोर पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा जो कि काफ़ी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नजर आए समा मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज अ मेटाइस सेंग के रोल में नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और थैन के रोल में नजर आए और जेम्स कैंटोस कैन के रोल में नजर आए और क्रैंस्टोन एज ए कोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज अ नेड के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूस के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई एज टेरिस टक्स के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अंगर के रोल में जॉन फेवरी एज द थार्क बुक माइकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैलटॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन एटी वन में एडगर राइस ब्रूज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनके अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसको केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटर में 1868 में के एक फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैंड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है वह ग्रीन आर मार्टिया और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसूम पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक हेड नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लेस हिलियम के राजकुमारी देजी थोरिस से शादी करके युद्धवार और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैर्टर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में नाइन मार्च टू थाउजेंड को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुफ्त उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इसे डायरेक्ट किए एंड्रयू स्टैंटन और स्क्रीन प्ले दिए स्टैंटन, मार्क एंड्रेस, माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस, कोलिन विल्सन लिन्से कोलिंस और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस समंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन डोमका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो, विलियम डाफोई और इस मूवी को सैनटोग्राफी के डैन मंडेल और इस मूवी को एडिट किए इमरन और इस मूवी में म्यूज़िक दिया माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू 2012 टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज़ हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स मिलियन डॉलर रहा जो कि काफी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नजर आए समा मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज ए मेटाइस नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिकास्ट एज के रोल में नजर आए और जेम्स प्यूरिज कैंटोस के रोल में नजर आए और ब्रिन क्रैनस्टोन एज अ कोलन पोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज ए नेड के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूस के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई एज टेरिस टार्क के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अ यंग के रोल में जॉन फेवरी एज द थार्क बुक माकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैलटॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुँचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन एटी वन में एडगर राइस ब्रूज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए इनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसको केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटा में 1868 में के फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैंड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, अस्तित्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्टर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के करतब करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसू पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से से के राजकुमारी देजी शादी करके विराम और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दू मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कार्टर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में 9 मार्च 2012 को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इसे डायरेक्ट किए एंड्रयू स्टैंड और स्क्रीन प्ले दिए एंड्री स्टैंड मार्क एंड्रेस, माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट की ब्राउट की, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस की है जिम मॉरिस, कोलिन विल्सन लिंसे कोलिंस और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस समंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन टोमिनका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो, विलियम डाफोई और इस मूवी को सैनटोग्राफी के डैन मंडेल और इस मूवी को एडिट किए एरिक जुमबरून और इस मूवी में म्यूज़िक दिया माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू 2012 टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस मिलियन डॉलर रहा जो कि काफी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नजर आए समान्था मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज ए मेटाइस में नजर आए सियारना हिंस एज मोरस के रोल में नजर आए और डोमिका थे और ब्रिंड क्रैनस्टोन में नजर आए और ड्राइल साबरा एज अ नेट के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूज के रोल में नजर आए और विलियम डेफ एज टेरिस टार्क के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अ यंग के रोल में जॉन फेवरी एज द थार्क बुक माकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैलटॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन में एडगर राइस ब्रुज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए इनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटर में 1868 में के एक फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्थित अस्तित्व घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसू पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक थेड नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लैस हिलियम के राजकुमारी देजी थोरेस से शादी करके युद्धवार और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैर्टर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में 9 मार्च 2012 को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुप्त उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये टू की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एंड्रयू स्टैंटन और स्क्रीन प्ले एंड्रयू एंड्री मार्क एंड्रेस, माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस, कोलिन विल्सन लिंसे कोलिंस और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस समंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन टोमिनका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो, विलियम डाफोई और इस मूवी को सीनेटोग्राफिक है डैन मिनडेल और इस मूवी को एडिट किए इमरन और इस मूवी में म्यूजिक दिए माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू फेबरवरी टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस फिश कलेक्शन 284.1 मिलियन डॉलर रहा जो कि काफ़ी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरिस के रोल में नजर आए समानथा मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज अ मेटाइस सेंग के रोल में नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिका विस्ट एज रोल में नजर आए और जेम्स प्योरीफोस एज कैंटोस कैन के रोल में नजर आए और ब्रिन क्रैंस्टोन एज अ कोलन पोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज अ नेड के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूज के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई एज टेरिस टक्स के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अंगर के रोल में जॉन फेवरी एज थार्क बुक मेकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैलटॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन में एडगर राइस ब्रुज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनके अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटर में 1868 में के फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, अस्तित्व घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसो पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक हेन नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लैस हिलियम के राजकुमारी देजी थोरेस से शादी करके युद्धवार और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैटर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में नाइन मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुक उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी बैरा में दी गई उसे प्राप्त कर सके तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एंड्रयू एंड्री और स्क्रीन प्ले दी एंड्रयू एस्टैन मार्क एंड्र माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस कोलिन विल्सन लिन्से कोलिन और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस सामंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन टोमिंका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो विलियम डाफोई और इस मूवी को सिनेटोग्राफिक के डैन मिंडेल और इस मूवी को एडिट किए इमर और इस मूवी में म्यूजिक दिए माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू फेबर टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स फिस्कल कलेक्शन टू हंड्रेड एट्टी फोर पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा जो कि काफ़ी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नजर आए समा मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज अ मेटाइस सेंग के रोल में नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिकास्ट एज के रोल में नजर आए और जेम्स कैंटोस कैन के रोल में नजर आए और ब्रिन क्रैनस्टोन एज ए कोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज अ नेड के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूस के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई एज टेरिस टक्स के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अंगर के रोल में जॉन फेवरी एज द थार्क बुक माकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैल्टॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन एटी वन में एडगर राइस ब्रूज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसको केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटर में 1868 में के एक फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैंड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसूम पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लेस हिलियम के राजकुमारी देजी थोरेस से शादी करके युद्धवार को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दू मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैर्टर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में नाइन मार्च टू थाउजेंड को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुप्त उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एंड्रयू एंड्री और स्क्रीन प्ले दी एंड्रयू एस्टैन मार्क एंड्र माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस कोलिन विल्सन लिटसे कोलिन और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस सामंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन टोमिंका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो विलियम डाफोई और इस मूवी को सैनमोग्राफिक हैं डैन मिंडेल और इस मूवी को एडिट किए एरिक जुमब्रून और इस मूवी में म्यूजिक दिया माइकल गया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू फेरवरी टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज़ हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 284.1 मिलियन डॉलर रहा जो कि काफ़ी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नजर आए समा मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज अ मेटाइस सेंग के रोल में नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिकास्ट एज के रोल में नजर आए और जेम्स प्यूरिज कैंटोस कैन के रोल में नजर आए और ब्रिन क्रैनस्टोन एज अ कोलन पोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज ए नेड के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूज के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई एज टेरिस टार्क के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अ यंग के रोल में जॉन फेवरी एज द थार्क बुक माकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैल्टॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुँचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन एटी वन में एडगर राइस ब्रूज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटर में 1868 में के फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैंड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, अस्तित्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्टर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के करतब करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसू पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक थेन नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लेस हिलियम के राजकुमारी देजी थोरेस से शादी करके युद्धवार और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कार्टर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में 9 मार्च 2012 को रिलीज हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सके और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एंड्रयू एसटैन और स्क्रीन प्ले दी एंड्रयू एस्टन मार्क एंड्रज माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस बुराव्ट्स की बुराव्ट्स की है और इस मूवी को प्रोड्यूस की है जिम मॉरिस विल्सन लिंसे कोलिन और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लायनन कोलाइंस समंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन टोमिनका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो विलियम डाफोई और इस मूवी को सिनेटोग्राफिक के डैन मिंडेल और इस मूवी को एडिट की एरिक जुम और इस मूवी में म्यूज़िक दिया माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज़ और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू फेबर टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज़ हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड सिक्स थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स फीस कलेक्शन टू हंड्रेड एट्टी फोर पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा जो कि काफ़ी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डेजा थोरिस के रोल में नजर आए समा मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज अ अटाइस सेंग के रोल में नजर आए सियारना हिंस एज टारडोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिनका वेस्ट एज अ अब थैन के रोल में नजर आए और जेम्स प्यूरीफोस एज कैंटोस कैन के रोल में नजर आए और ब्रिन क्रैंस्टोन एज अ कोलन पोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज अ नेट के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज सारकोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज रोल में नजर आए और नजर आए और डेविड स्कैमर एज के रोल में जॉन फेवरी एज दुक मैकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैलटॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन में एडगर राइस ब्रुज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटर में 1868 में के फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्थित अस्तित्व घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसू पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक थेन् नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लैस हीलियम के राजकुमारी देजी थोरेस से शादी करके युद्धवार और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैर्टर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में 9 मार्च 2012 को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुप्त उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एंड्रयू स्टैंटन और स्क्रीन प्ले दी एंड्रयू एस्टैन मार्क एंड्रेस माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस कोलिन विल्सन लिन्से कोलिन और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइन सामंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन डोमका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो विलियम डाफोई और इस मूवी को सीनेटोग्राफिक हैं डैन मिंडेल और इस मूवी के एडिट के एरिक इन और इस मूवी में म्यूजिक दिए माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू फेबरवरी टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज़ हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस फिस कलेक्शन टू हंड्रेड डॉलर एट्टी फोर पॉइंट रहा जो कि काफ़ी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नजर आए समा मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज अ मेटाइस सेंग के रोल में नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिका विस्ट एज थैन के रोल में नजर आए और जेम्स प्योरीफोस एज कैंटोस कैन के रोल में नजर आए और ब्रिन क्रैंस्टोन एज अ कोलन पोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज अ नेड के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूज के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई एज टेरिस टक्स के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अंगर के रोल में जॉन फेवरी एज दर्क बुक माकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैलटॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन में एडगर राइस ब्रुज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनकी अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसको केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटर में 1868 में के एक फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, अस्तित्व घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसो पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक थेड नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लैस हिलियम के राजकुमारी देजी थोरेस से शादी करके युद्ध वार युद्धवार और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैटर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में 9 मार्च 2012 को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुप्त उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एंड्रयू एसटैन और स्क्रीन प्ले दी एंड्रयू एस्टैन मार्क एंड्रज माइकल चैबॉन और मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस की है जिम मॉरिस कोलिन विल्सन लिन्से कोलिस् और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लायनन कोलाइंस सामंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन टोमिनका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो विलियम डाफोई और इस मूवी को सीनेटोग्राफिक के डैन मिंडेल और इस मूवी को एडिट की एरिक जुम और इस मूवी में म्यूजिक दिए माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू 2012 टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज़ हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड सिक्स थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस फीस कलेक्शन टू हंड्रेड एट्टी फोर पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा जो कि काफ़ी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डेजा थोरिस के रोल में नजर आए समा मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज अ अटाइस के रोल में नजर आए सियारना हिंट्सार्डोज मोरस के रोल में नजर आए और डोमिका वेस्ट एज थैन के रोल में नजर आए और जेम्स प्यूरीफोस एज कैंटोस कैन के रोल में नजर आए और ब्रिन क्रैंस्टोन एज अ कोलन पोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज अ नेट के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज सारकोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजू के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज यंग अंग के रोल में जॉन फेवरी एज दर्क बुक मैकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसन एज अ डैलटॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन एटी वन में एडगर राइस ब्रूज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए इनकी अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसको केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटर में 1868 में के एक फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैंड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, अस्तित्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है वह ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसूम पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक थे नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लेस हिलियम के राजकुमारी देजी थोरेस से शादी करके युद्धवार को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दू मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अगर आप जॉन कैर्टर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉट पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में नाइन मार्च टू थाउजेंड को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुफ्त उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इसे डायरेक्ट किए एंड्रयू स्टैंटन और स्क्रीन प्ले दिए स्टैंटन, मार्क एंड्रेस, माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस कोलिन विल्सन लिन्से कोलिंस और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस समंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग हेंस डोमका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो, विलियम डाफोई और इस मूवी को सैनटोग्राफी के डैन मंडेल और इस मूवी को एडिट किए एरिक जुम्रून और इस मूवी में म्यूज़िक दिया माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू 2012 टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 284.1 मिलियन डॉलर रहा जो कि काफ़ी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नजर आए समा मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज अ मेटाइस सेंग के रोल में नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिकास्ट एज के रोल में नजर आए और जेम्स कैंटोस कैन के रोल में नजर आए और ब्रिंड क्रैनस्टोन कोलन पोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज ए नेड के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूस के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई एज टेरिस टार्क के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अ यंग के रोल में जॉन फेवरी एज द थार्क बुक माइकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैल्टॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुँचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन एटी वन में एडगर राइस ब्रूज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए इनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसको केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटा में 1868 में के फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैंड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, अस्तित्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्टर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के करतब करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसू पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक थेंड नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष से लैस, के राजकुमारी देजी थोरिस से शादी करके विराम और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दो क्यों, मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैटर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक like किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में 9 मार्च 2012 को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इसे डायरेक्ट किए एंड्रयू स्टैंड और स्क्रीन प्ले दिए एंड्री स्टैंड मार्क एंड्रेस, माइकल चैबॉन और ये में बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस की है जिम मॉरिस, कोलिन विल्सन लिंसे कोलिंस और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस समंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन टोमिनका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो, विलियम डाफोई और इस मूवी को सैनटोग्राफी के डैन मंडेल और इस मूवी को एडिट किए एरिक जुमब्रून और इस मूवी में म्यूज़िक दिया माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू 2012 टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस मिलियन डॉलर रहा जो कि काफी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नजर आए समान्था मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज ए मेटाइस में नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिका थे और ब्रिंड क्रैनस्टोन में नजर आए और ड्राइल साबरा एज अ नेट के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूज के रोल में नजर आए और विलियम डेफ एज टेरिस टार्क के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अ यंग के रोल में जॉन फेवरी एज द थार्क बुक मैकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसन एज अ डैलटॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडाइंग जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुँचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन एटी वन में एडगर राइस ब्रूज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटर में 1868 में के फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्थित अस्तित्व घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसू पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक थेड नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लैस हीलियम के राजकुमारी देजी थोरेस से शादी करके युद्धवार और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैर्टर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में 9 मार्च 2012 को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुप्त उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इसे डायरेक्ट किए एंड्रयू स्टैंटन और स्क्रीन प्ले एंड्रयू एंड्री मार्क एंड्रेस, माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस, कोलिन विल्सन लिंसे कोलिस् और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस समंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन टोमिनका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो, विलियम डाफोई और इस मूवी को सैनमग्राफिक के डैन मिनडेल और इस मूवी को एडिट किए इमर और इस मूवी में म्यूजिक दिए माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू 2012 टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन 284.1 मिलियन डॉलर रहा जो कि काफी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरिस के रोल में नजर आए Samantha मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रांग एज अ मैटाइस सैंक रोल में नजर आए सियाराना हिंस एज रोल में नजर आए और डोमिका नजर आए और ड्राइल साबरा के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एजार के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूज के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अ यंग के रोल में जॉन फेवरी एज द थार्क बुक माकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैलटॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन में एडगर राइस ब्रुज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटा में 1868 में के फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, अस्तित्व घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसो पर कहीं और ही हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक हेन नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लैस हिलियम के राजकुमारी देजी थोरेस से शादी करके युद्धवार और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैटर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में 9 मार्च 2012 को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुप्त उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इसे डायरेक्ट किए एंड्रयू स्टैंटन और स्क्रीन प्ले दी एंड्रयू स्टैंटन मार्क एंड्रेस, माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस, कोलिन विल्सन लिन्से कोलिस् और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस समंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन डोमिंका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो, विलियम डाफोई और इस मूवी को सैनिटोग्राफिक हैं डैन मिनडेल और इस मूवी के एडिट की एरिक जुमरून और इस मूवी में म्यूज़िक दिए माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू 2012 टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज़ हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड सिक्स थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस फिस्कल कलेक्शन टू हंड्रेड एट्टी फोर पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा जो कि काफ़ी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नजर आए समा मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज अ मेटाइस सेंग के रोल में नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिकास्ट एज के रोल में नजर आए और जेम्स कैन के रोल में नजर आए और ब्रिंड एज ए कोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज अ नेड के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूस के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई एज टेरिस टक्स के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अंगर के रोल में जॉन फेवरी एज द थार्क बुक माकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैलटॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन एटी वन में एडगर राइस ब्रूज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसको केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटर में 1868 में के एक फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैंड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है वह ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसूम पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक हेड नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लेस हिलियम के राजकुमारी देजी थोरिस से शादी करके युद्धवार और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैर्टर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में नाइन मार्च टू थाउजेंड को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुफ्त उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इसे डायरेक्ट किए एंड्रयू स्टैंटन और स्क्रीन प्ले दिए स्टैंटन, मार्क एंड्रेस, माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस कोलिन विल्सन लिन्से कॉलिन्स और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस समंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन डोमका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो, विलियम डाफोई और इस मूवी को सैनमग्राफिक के डैन मिंडेल और इस मूवी को एडिट किए इमरन और इस मूवी में म्यूज़िक दिया माइकल गिया चीनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू 2012 टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज़ हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स मिलियन डॉलर रहा जो कि काफी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नजर आए समा मॉर्टन एज ए सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज ए मेटाइस में नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिकास्ट एज के रोल में नजर आए और जेम्स प्यूरिज कैंटोस के रोल में नजर आए और ब्रिन क्रैंस्टोन एज अ कोलन पोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज ए नेड के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूस के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई एज टेरिस टार्क के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अ यंग के रोल में जॉन फेवरी एज द थार्क बुक माकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैल्टॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुँचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन में एडगर राइस ब्रुज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए इनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसको केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटा में 1868 में के फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैंड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, अस्तित्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्टर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के करतब करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसू पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से से के राजकुमारी देजी शादी करके युद्ध युद्ध वार विराम और को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दो मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कार्टर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में 9 मार्च 2012 को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुप्त उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इसे डायरेक्ट किए एंड्रयू एंड्री और स्क्रीन प्ले दी एंड्रयू एस्टैंड मार्क एंड्र माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस कोलिन विल्सन लिंसे कोलिस् और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस सामंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन टोमिंका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो विलियम डाफोई और इस मूवी को सीनेटोग्राफिक हैं डैन मिंडेल और इस मूवी को एडिट किए एरिक जुमरूनेन और इस मूवी में म्यूजिक दिए माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू 2012 टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज़ हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू हंड्रेड थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस मिलियन डॉलर रहा जो कि काफी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नजर आए समा मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज ए मेटाइस में नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिका विस्ट एज थैन के रोल में नजर आए और जेम्स प्यूरिफोस एज कैंटोस कैन के रोल में नजर आए और ब्रिन क्रैनस्टोन एज अ कोलन पोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज अ नेड के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूज के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई एज टेरिस टार्कस के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अ यंग के रोल में जॉन फेवरी एज द थार्क बुक माइकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैलटॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन में एडगर राइस ब्रुज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की किडनीजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटर में 1868 में के फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्थित अस्तित्व घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसू पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक थेन् नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लैस हीलियम के राजकुमारी देजी थोरेस से शादी करके युद्धवार और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैटर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में 9 मार्च 2012 को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े हो और कई लोग इस वीडियो का लुप्त उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एंड्रयू स्टैंटन और स्क्रीन प्ले दी एंड्रयू एस्टैन मार्क एंड्रेस माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस कोलिन विल्सन लिन्से कोलिन और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस सामंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन डोमका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो विलियम डाफोई और इस मूवी को सीनेटोग्राफिक है डैन मिंडेल और इस मूवी को एडिट किए इमर और इस मूवी में, में म्यूजिक दिए माइकल गिया चीनो और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू फेबरवरी टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री मिलियन ग्रॉस रहा और नेट टू मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस फीस कलेक्शन टू हंड्रेड एट्टी फोर पॉइंट डॉलर रहा जो कि काफ़ी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नजर आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नजर आए समा मोर्टन एज अ सोला के रोल में नजर आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज अ मेटाइस सेंग के रोल में नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिका विस्ट एज रोल में नजर आए और जेम्स प्योरीफोस एज कैंटोस कैन के रोल में नजर आए और ब्रिन क्रैंस्टोन एज अ कोलन पोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज अ नेड के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूज के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई एज टेरिस टक्स के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अंग के रोल में जॉन फेवरी एज थार्क बुक मेकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैल्टॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन में एडगर राइस ब्रुज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटा में 1868 में के फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैंड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, अस्तित्व घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है और ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसो पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक थेड नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लैस हिलियम के राजकुमारी देजी थोरेस से शादी करके युद्ध युद्धवार और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊँगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैटर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में 9 मार्च 2012 को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुक उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी बैरा में दी गई उसे प्राप्त कर सके तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स जॉन कार्टर ये 2012 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए एंड्रयू एंड्री और स्क्रीन प्ले दी एंड्रयू एस्टैन मार्क एंड्र माइकल चैबॉन और ये मूवी बेस्ट है प्रिंसेस ऑफ मार्स जो कि एडगर राइस ब्राउट्स की ब्राउट की, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं जिम मॉरिस कोलिन विल्सन लिन्से कोलिन और इस मूवी के स्टारिंग है टेलर किट्स लाइनन कोलाइंस सामंता मॉर्टन मार्क स्ट्रॉन्ग कैरिन टोमिंका वेस्ट जेम्स प्यूरीफो विलियम डाफोई और इस मूवी को सिनेटोग्राफिक के डैन मिंडेल और इस मूवी को एडिट किए इमर और इस मूवी में म्यूजिक दिए माइकल गिया चीनो और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स और ये मूवी ट्वेंटी टू 2012 टू थाउजेंड ट्वेल्व को लॉस एंजल्स में रिलीज हुई और नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड थर्टी टू मिनट और इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट की मूवी है और इसका बजट थ्री हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ग्रोस रहा और नेट टू हंड्रेड सिक्स थ्री पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेकार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड एट्टी फोर पॉइंट वन मिलियन डॉलर रहा जो कि काफ़ी बेकार है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में टेलर किट्स एज जॉन कार्टर के रोल में नज़र आए लिन कोलाइंस एज अ डीजा थोरीज के रोल में नज़र आए समंता मॉर्टन एज अ सोला के रोल में नज़र आए मार्क स्ट्रॉन्ग एज अ मेटाइस सेंग के रोल में नजर आए सियारना हिंस एज टार्डोस मोरस के रोल में नजर आए और डोमिकास्ट एज के रोल में नजर आए और जेम्स कैंटोस कैन के रोल में नजर आए और ब्रिंड एज ए कोल पोल के रोल में नजर आए और ड्राइल साबरा एज अ नेड के रोल में नजर आए पॉली वॉकर एज अ सार्कोजा के रोल में नजर आए थॉमस वेडन चर्च एज ताल हाजूस के रोल में नजर आए और विलियम डेफुई एज टेरिस टक्स के रोल में नजर आए और डेविड स्कैमर एज अंगर के रोल में जॉन फेवरी एज द थार्क बुक माकर के रोल में डॉन स्टार्क एज अ डिक्स के रोल में निकोलस वुडसेन एज अ डैलटॉन के रोल में आर्ट मैलिक एज अ जोडेंगे जनरल के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स एटीन एटी वन में एडगर राइस ब्रूज अपने चाचा जॉन कार्टर एक पूर्व अमेरिका नागरिक युद्ध संघ सेना के कप्तान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिनका अचानक मृत्यु हो गए कार्टर के निर्देश के अनुसार शरीर को एक मकबरे में रखा जाता है जिसको केवल अंदर से ही खोला जा सकता है उनका वकील कार्टर की निजी पत्रिका ब्रोज को पढ़ने के लिए देता है एरजानो टेरिटर में 1868 में के एक फ्लैशबैक में यूनियन कर्नल पावेल ने कार्टर को इस उम्मीद के साथ गिरफ्तार किया कि काटर स्थानीय आपसे से लड़ने में मदद करेगा काटर अपनी होल्डिंग सेल से बच बच जाता है लेकिन अमेरिका घुड़सवार सेना किसानी के साथ नज़दीकी नज़दीकी पीछा करने में विफल रहता है आपसे के एक बैड बैंड के साथ एक रन इन के बाद काटर और एक घायल पावले का पीछा तब तक किया जाता है जब तक कि वे एक गुफा में छिप नहीं जाते जो सोने से भरा जाता है उस समय गुफा में एक थर्न दिखाई देता है और दो आदमी द्वारा आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर उन पर चाकू से हमला करता है काटर उसे मारता है लेकिन गलती से थर्न के शक्तिशील पदक को सक्रिय कर देता है और अनजाने में एक बर्बाद और मर, मरने वाले ग्रह बरसुम में ले जाया जाता है अपनी अलग अस्तित्व अस, घनत्व और ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण काटर ऊंची छलांग लगाने और अविश्वनीय अविश्वनीय ताकत के कर्तव्य करने में सक्षम है वह ग्रीन आर मार्टिया थर्क और उनके जंधक टॉर्स टॉकर द्वारा कब्जा कर लिया गया है बारसूम पर कहीं और ही, हीलियम और छोड़ेगा रेड मार्टियन सर एक हजार वर्ष से, से युद्ध में है सब थान जोरडांगा के जिनथक थे नेता मताई संघ से प्राप्त एक विशेष हथियार से लेस हिलियम के राजकुमारी देजी थोरेस से शादी करके युद्धवार और युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है राजकुमारी भाग जाती है और कार्टर द्वारा बचाई जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दू मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं इस मूवी की यानी कि जॉन कार्टर मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी की आई एम डी वी रेटिंग सिक्स पॉइंट सिक्स है जो कि आउट ऑफ टेन में से सिक्स पॉइंट सिक्स इसे आई एम डी वी ने रेटिंग दी है और इसे वूडो ने फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अगर आप जॉन कैर्टर मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसे सेवेंटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं कि ये इंडिया में नाइन मार्च टू थाउजेंड को रिलीज़ हुई और फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का रीच बढ़े और कई लोग इस वीडियो का लुप्त उठा सकें और इस मूवी इस वीडियो में जो एजुकेशन मूवी के बारे में दी गई उसे प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें